तीन तीन चार चार पाँच पाँच लाख रुपए देकर रिश्वत जॉब हासिल करते हैं। कितनी जॉब, 50,000 60,000 मंथली। हम लोग पता है क्या है, हम लोग बड़े मतलब कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है ना पुरसकून लाइफ गुजारें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सस्याकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकाली और मेरे साथ हैं, खुश हूँ मैं, तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है, बहुत से लोग खुश नहीं हैं आपको देखकर, पता नहीं बताऊँगा। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। MBA guy with his fiance. So start करते हैं अपनी वीडियो को, let's start. Okay guys, तो वीडियो का टाइटल है MBA guy with his fiance selling momos. तो आज हम आ चुके हैं PVR साकेत, और आज मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने रिसेंटली अपना स्टार्टअप किया है। वो स्टार्टअप है नॉर्थ ईस्ट फूड। जब हमने अमन जी से बात करी तो अमन जी ने हमें बताया कि एज ए मैनेजर एक US की बड़ी कंपनी में जॉब करते थे, और इनकी फियांसे सुनीता जी भी एज अ फैशन कंसल्टेंट जॉब करती थी। लेकिन अमन जी का कहीं ना कहीं मानना था कि अपना काम अपना ही होता है, और फूड से रिलेटेड इनको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इस हार्ड वर्किंग कपल से और जानते हैं इनके सफर की कहानी, इन्हीं की जबान। हमारा स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। क्या नाम है आपका? अमन सोलंकी। थोड़ा बताइए आपके सफर के बारे में, ये कैसे स्टार्ट हुआ और कौन कौन है साथ में? मी एंड माई फियांसे सुनीता सोलंकी, सीज़ ओवर द वन जो मेन शेफ है, मतलब जो भी मोमोज जितने बनाते हैं, जितने भी हमारे आइडियाज हैं उनके भी आपसे हैं। मैंने अपना MBA किया है वेलिंगटन इंस्टीट्यूट मुंबई, मैम ग्रेजुएट हैं। एक दो साल से सोच रहे थे हम कि हम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे अपना खुद का बिजनेस सेटअप स्टार्ट करेंगे, बट समाव नहीं कर पाए। तो अभी मैं लास्ट वर्किंग था जून में, सो आई हैव लेफ्ट माई कंपनी इन जून जिसमें मैं काम करता था। उसके बाद में देन फिर मैं इन्हीं के होम टाउन गया हुआ था, कैलिम्पोंग। मैम कैलिम्पोंग से हैं, दार्जिलिंग से पहले डिस्ट्रिक्ट पड़ती है कैलिम्पोंग, आपका वेस्ट बंगाल में आता है। तो वहाँ पे जब हम गए थे तो बेसिकली वहाँ का ये लोकल फूड है, तो इनके घर में बनता है, और हम मतलब मैं भी खाता हूँ कभी कभी, 3 महीने में 4 महीने हम घर में बनाते थे खुद खाते थे। अच्छा। तो हम चर्च में ऐसे बैठे हुए थे, अपने चर्च में बैठे हुए थे, तो देन आवर जो हमारे पास्टर हैं, सो दे जस्ट पुश अस इन दैट आइडिया हमारे पास पहले से था, बट जो सबसे ज़्यादा पुश किया था उन्होंने पुश किया था कि यू कैन ट्राई, बिकॉज हमने ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, ऑलमोस्ट हमें 8 ईयर्स हो गए, मेरे को 10 ईयर्स होने हो गए जॉब करते करते। तो हम दोनों ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम हो गए थे, काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे स्टार्ट करेंगे बट कर नहीं पाए। तो दिस टाइम वी गिव इट अ ब्रेक कि एक बार करके देखते हैं। आपने अपनी मर्जी से अपनी जॉब को छोड़ा या ये ड्यू टू सम रीजंस वो चली गई थी? नहीं, अपनी मर्जी से अपनी जॉब को छोड़ा मैंने भी। मैम ने अपनी जॉब को छोड़ा? मैम की जॉब एक्चुअली मैंने छुड़वा दी, काफ़ी टाइम ने 8 ईयर्स दे दिए थे, तो हमने सोचा एक बार अपना खुद का बिजनेस भी सेटअप करके देखते हैं। डेफिनेटली कॉन्फिडेंट तो था, बट मेरे को एक ऐसा बिजनेस चाहिए था जिसमें मेरे को थर्ड पार्टी नहीं चाहिए था, मीन्स बाहर का कुछ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए थी, क्योंकि अभी हम इतना वो नहीं कर सकते थे कि हम किसी को मतलब हायर करें फिर उनको दें। फिर हमारे पास जो मेरे पास आइडिया था वो लास्ट में गई था मोमोज का। इन क्लास आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर एम्बियंस मोड में, क्लास का ब्रांड है गुड़गांव में, फुटवेयर ब्रांड है, तो उसके अंदर था मैं एज अ स्टोर मैनेजर था मैं। मैम की जॉब क्या थी? मैम एज अ फैशन कंसल्टेंट थी कोलान भी एक US ब्रांड है, आपका फुटवेयर ही ब्रांड है वो भी। आपको कोई रिग्रेट तो नहीं है भाई जॉब छोड़ने का? हम दोनों ने जॉब छोड़ दिया है, अपना काम स्टार्ट किया है। आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। ये सेकंड मंथ है, बेसिकली क्या होता है जब लोग स्टार्ट करते हैं तो उनको फर्स्ट मंथ में वो अपना रिकवर करते हैं, कि मतलब वो शुरू स्टार्टिंग है 2 मंथ 3 मंथ वो सोचते हैं कि मतलब वी डोंट वॉन्ट एनी प्रॉफिट, वी जस्ट वॉन्ट कि हमारा बिजनेस चल जाए। बट मेरा स्टॉल बाय ग्रेस ऑफ गॉड फर्स्ट मंथ से इन प्रॉफिट है, सो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स एट ऑल। सारा जो भी वो मैम बनाती हैं ऑल क्रेडिट गोज टू हर, आप कह सकते हैं मैनेजर ही यहाँ भी, एज आई एम जस्ट मैनेजिंग। जितना भी जो भी घर में बनता है मैम बनाती है सारा, बाकी मेरी फैमिली थोड़ी सपोर्ट करती है, फादर मदर सिस्टर। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से ही हैं। हमारा जो टाइमिंग है 4 to 10:30 है, 7 डेज हमारा ओपन रहता है। एक बार मेन्यू में बता दीजिए क्या है और क्या स्टार्ट होने वाला है। मेन्यू में अभी जो हमारे पास है स्टीम्ड है, हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, वेज पनीर चिकन, उसमें हमारे पास स्टीम्ड होगा, फ्राइड होगा, और हमारा जो सबसे बेस्ट सेलिंग है जो यहाँ का फेमस है पी बार, आप किसी आगे पूछेंगे बेस्ट सेलिंग कुरकुरे के मोमोज किसके हैं, वो आपको नॉर्थ ईस्ट वाइज पर भेजेंगे। उसके अलावा हमारे पास साफ वाले हैं, और सून जो हमारा स्टार्ट होने वाला है तंदूरी मोमोज स्टार्ट होने वाले हैं हमारे 3 कैटेगरी में। अभी बेसिकली जो हमारी डिश बन रही है साफ वाले बन रही है, साफ वाले बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था तिब्बत से स्टार्ट हुआ था ये डिश,
तिब्बत से स्टार्ट होते होते नेपाल, नेपाल ओरिजिन गया, नेपाल ओरिजिन से आपका फिर नॉर्थ ईस्ट में आया। सबसे ज़्यादा फेमस है उस वक्त सिक्किम और दार्जिलिंग में, सो इंडिया में देखोगे सिक्किम और दार्जिलिंग सबसे ज़्यादा फेमस है। ये होती है मेरीनेशन, ये होती है मैं उसके अंदर फिलिंग करती चिकन, फ्री कुक चिकन होता है, हमने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दिया है समोसा, अदरवाइज वहाँ पर जो होता है वहाँ पर बॉइल्ड चिकन होता है और सिर्फ हल्की सी स्पीसीज होती है, हमने इसमें थोड़ा ट्विस्ट दिया है, इंडियन मसाले थोड़े ऐड करें हमने इसके अंदर ताकि यहाँ पर थोड़ा नोवो टेस्ट आए। दिखने में तो बिल्कुल मोमो की तरह ही नहीं, मोमो नहीं है, इसकी दो शेप्स बनती है, एक सर्कल अच्छा और एक जो हम इंडियन स्टाइल में हम कहते हैं गुजिया, तो इसकी दो शेप बनती है। तो हम यहाँ पे जो बनाते हैं साफ पाले, हाँ ये आप देख सकते हैं स्पेशल मेन्यू जो है साफ पाले ही है। हमें क्या खिलाएंगे सर? वेज में मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, अगर आप नॉर्मल्स में खाना चाहेंगे स्टीम्ड जो बेस्ट ऑथेंटिक जो होता है मोमोज स्टीम्ड होता है, फिर उसके बाद में अगर उसे ट्विस्ट करना है देन विल आई सजेस्ट टू कुरकुरे, क्रिस्पी फ्राइड जो कहते हैं लोग कुरकुरे जो हमारा बेस्ट है। हम ट्राई करने वाले हैं इनके स्टीम एंड क्रिस्पी मोमो, यह है ऑथेंटिक मोमो, ये खुद ही तैयार करते हैं, कहीं बाहर से ऑर्डर या कहीं से मंगवाते नहीं है। किस चीज़ से बने इसके बारे में बता दीजिए, कौन सी चटनी है? हब्स बिरयानी से, ये भी हम घर में तैयार करते हैं, घर में प्रिपेयर करते हैं, कुछ भी हम बाहर से नहीं लाते हैं। ये हमारी रेड चिली है जो सीजन सॉस कहते हैं, पीनट सॉस। ये हमारा क्रिस्पी फ्राइड मोमोज जो कुरकुरे मोमोज बेसिकली कहते हैं अच्छा। वो है मेन इसका जो होता है बैटरिंग का टेस्ट होता है जो आपको अदर उसमें नहीं मिलेगा। अच्छा, इस पे लेयर किस चीज़ की है? ये कॉर्नफ्लेक्स की लेयर है। तो ये है इसके स्पेशल क्रिस्पी मोमो, अब हम ट्राई करने वाले हैं, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की पूरी वाइब्स आने वाली है यहाँ पर डेफिनेटली। आइए एक बार मोमो यहाँ ट्राई करना बनता है। ये हमारे मोमोस रेडी हो गए हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में मोमोज बोलते हैं, उधर मोमो ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, मोमोज इसका नाम मोमोज ही है बेसिकली, जो ये डिश आपका आप मेरे पेज पे देखेंगे उसकी पूरी हिस्ट्री है। एक्चुअल में लोग सोचते हैं कि चाइनीज डिश है, बट ये चाइनीज डिश नहीं है, ये आपका जो डिश स्टार्ट हुई थी नेपाल से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ये आ गए हमारे क्रिस्पी मोमो। वास्तव में बहुत ही क्रिस्पी है, आप देख सकते हैं लेयर इसमें ही सारा स्वाद छिपा हुआ है। भाई मैंने सुना आप रोज यहाँ मोमो खाने आते हैं, ऐसा क्या है यहाँ मोमोज में? उनके मोमोज इतने टेस्टी है ना, मैंने हर मोमोज ट्राई किए, सीपी, लाजपत नगर, बड़े बड़े अच्छे जगह मोमोज, बट यहाँ के मोमोज बेस्ट है। यहाँ के मोमोज बेस्ट है, बेस्ट। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? जो भी ये वीडियो देख रहा है तो एटलीस्ट हमारा मोमोज ट्राई कर लो जी, एक बार जरूर आए यहाँ पे ट्राई कर लो। भाई जैसा कि मैम ने कहा है, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार मोमोज यहाँ ज़रूर ट्राई करें, वास्तव में अलग टेस्ट है, यूनिक टेस्ट है, और सच कहूँ तो रियल ऑथेंटिक मोमोज यहाँ पर मिलते हैं, आइए एक बार ट्राई करें। ये है पीवीआर साकेत, आप सामने देख सकते हैं वो लुक्स का सैलो है, उसी के जस्ट सामने ये भैया का स्टॉल है। सही, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर। थैंक यू, उम्मीद है आपका मैम का और आपका ये जो स्टार्टअप है yes. एक नेक्स्ट लेवल तक जाए। डेफिनेटली विश यू ऑल द बेस्ट, दैट वी विल नेम इट एज अ ब्रांड, डेफिनेटली वी विल ओपन इट। बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरीके से वो कपल जो काम कर रहे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक नया स्टार्टअप किया, बहुत ही मतलब एक मतलब बहुत अच्छा लग रहा था दोनों जब से साथ मिलके ना मोटिवेशन मिला। और उसी बात ये कहना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कहीं पर जॉब करते हो, करते रहते हो, क्या मिलता है आपको? मतलब एक फिक्स सैलरी है ना, आप उसको मतलब अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो, अगर साल में आपकी इंक्रीमेंट होती है तो एक फिक्स अमाउंट की होती है, पोस्ट बड़ी तो बड़ी, नहीं बड़ी तो नहीं बड़ी। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप छोटे से भी स्टार्ट करते हो, एक तो फैलने के ग्रो करने के चांसेस है, प्रॉफिट के बढ़ते रहने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि नियत होनी चाहिए। जब उन्होंने अपनी जॉब को खैराबाद कहा, मैनेजर थी, उन्होंने भी अपनी जॉब को छोड़ दिया और मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एक अच्छे मतलब जज्बात के साथ कि हम ये रेसिपी लेकर आए और हम मोमोज बनाएं और ये स्पेशलिटी लोगों को भी टेस्ट करवाएं, तो जो आपकी वो थी ना फीलिंग्स और आपका जो एक मेंटल तौर पे आप सोचते हो, आपका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है, मेरा भी मानना है, पता नहीं मेरी पर्सनल राय है,
वो बहुत रोल प्ले करती है आपके कामों में, आपकी चीज़ों में। जब आपके ख्यालात, वो बोलते हैं ना, नियत साफ मंजिल आसान, तो जब आपकी नियत में कोई खोट नहीं होता ना तो आप तरक्की करते हो। अब जैसे उन्होंने बोला कि हमने फर्स्ट मंथ में तो नहीं सोचा था, लेकिन अल्लाह की इतनी मतलब एक मेहरबानी हुई कि गॉड की ग्रेस से ये हुआ कि फर्स्ट मंथ में ही हमें प्रॉफिट हुआ। बहुत बड़ी बात, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास काम नहीं है, हम क्या जॉब करें, हमारा हमें कोई जॉब नहीं मिल रही, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो जो सिटीज़ हैं ना, सिटीज़ वहाँ पे तो बहुत ही बहुत बहुत कुछ इंसान कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, छोटे अमाउंट से ही सही बहुत कुछ इंसान कर सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ लोग एक बहुत बड़ा मसला ये बताते हैं कि जी हमारे पास डिग्रीज नहीं है, हमारी एजुकेशन का बहुत अलमिया है कि बहुत ख़राब है, जहाँ पे भी जाओ आप, अगर आपको कुछ भी अप्रूव करवाना है, कुछ भी करना है, पैसे लगते हैं, आपको कोई सीट हासिल करनी है तो उसमें भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारे ज़्यादातर लोगों को तो चाहिए कि जॉब छोड़ें और अपना ही कुछ ना कुछ करें, छोटा सही लेकिन अपना तो होगा। वही आपकी पता भी जो आपने कहा, आप देखिए इसके अंदर क्या ग्रो करने जरूरी, ग्रो करने के चांसेस भी बढ़ते हैं, चांसेस बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एजुकेशन जरूरी है, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हर इंसान की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, जो उसके घर में शौक से लोग खाते हैं, उसके घर वाले बहुत पसंद करते हैं उसके हाथ का। जैसे देखें वो लास्ट में जो भी थे, जो उनके कस्टमर थे, वो कह रहे हैं मैंने जगह जगह के मोमोज ट्राई कर लिए, लेकिन यहाँ का टेस्ट ही अलग है, ये बेस्ट है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि करने को इंसान छोटे से छोटा काम भी कर सकता है, उसी को बड़ा करे। आपकी बात थोड़ा सा बढ़ाता हूँ कि आप कह रही थी कि लोग कहीं ऐसी मैंने देखी है मिसालें कि लोग रिश्वतें दे के जॉब हासिल करते हैं, और कितनी रिश्वत, कितनी लाखों में, तीन तीन चार चार पाँच पाँच लाख रुपए देकर रिश्वत जॉब हासिल करते हैं। कितनी जॉब, 50,000-60,000 मंथली। हम लोग पता है क्या है, हम लोग बड़े मतलब कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है ना पुरसकून लाइफ गुजारें। बिजनेस जो है ना, अच्छा ये जो बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता है इनको घर में पहले तैयार करना होता होगा, हो सकता है ये सुबह 4 बजे उठते हों, रेडी करते हों सामान माल, फिर वो आते हैं, ठीक है ना, फिर वो रेडी होता है, फिर वो मतलब चीज़ें रॉ मटेरियल में रेडी हो जाती हैं। जैसे उस लड़के ने बताया कि मेरी फैमिली भी करती है, ठीक है ना। अच्छा, हो सकता है कि इनको यहाँ पर हुआ, ये थोड़े दिनों पहले की बात मैं आपको बताती हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। मेरे जो भाई हैं ना, उनके एक फ्रेंड है जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो भाई के फ्रेंड यानी कि मुश्तरका फ्रेंड थे, वो उनके भी थे, उनके भी कॉमन फ्रेंड थे, तो उन्होंने उनको 2 लाख रुपए दिए कि आप मेरी ना गवर्नमेंट जॉब करवा दें। उन्होंने कहा ठीक है, आप इंतज़ार करें, जब भी कोई जगह निकलती है, कोई वैकेंसी आती है तो मैं करवा दूँगा। 2 लाख ले लिए उनसे। सही। काफ़ी दिनों तक उनको मतलब टोपियाँ, डेली डेली बहाने। उसके बाद जब एक दिन उन्होंने बोला कि आप बता दीजिए क्या मसला है, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है आप कल आओ, कल मैं बात करवाता हूँ, आपको ऑफिसर से मिलवाता हूँ। जब ऑफिसर के आने के टाइम से, अरे वो तो निकल गए, मतलब डेली के बहाने 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 बहाने, आखिर में किसी थर्ड पर्सन से उन्हें पता चला कि उस जगह पे तो वो बंदा काम कर रहा है, लग चुका है कोई और बंदा। उस वैकेंसी के लिए उन्होंने उनसे पैसे लिए थे और वो उनको दौड़ा रहे। अच्छा, उनकी कोई और जॉब भी नहीं, वो जॉब छोड़कर बैठ गए कि ये मेरे करवा देगा। सही है, जो नॉर्मल जॉब। अच्छा अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, हम पाकिस्तानियों में खास तौर पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि एक पुरसकून लाइफ गुजारना चाहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की का नहीं सोचते, मिलीनियर बिलीनियर का नहीं सोचते। और पता क्यों नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि हम तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, लोग क्या है, 30,000-40,000-50,000 फिक्स सैलरी, ठीक है, घर में सुबह 9 बजे जाएं, 5-6 बजे आ जाएं, सुकून से लाइफ गुजारें, बाकी झंझट वंझट से हम दूर रहें। अच्छा, मैं सोनू शर्मा को बहुत सुनती हूँ, तो मैंने उनकी एक वीडियो में, आपके भी फेवरेट हैं, तो उनकी एक वीडियो में मैंने सुना था कि उन्होंने कहा हमें ना कभी भी खुद को कम्फर्ट जोन में नहीं रखना। जैसे अब मेरे पास एक लाख की मेरी जॉब है, अब मैं सोचूंगी 1 लाख में तो बहुत हो गया, बस सही है, मैं हैप्पी लाइफ गुजार लूंगी, अब मैं मजीद मेहनत क्यों करूँ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। 1 लाख है तो आपको सोचना है कि मुझे 2 लाख तक जाना है, 2 लाख पे आपको सोचना है कि मुझे 3 लाख तक जाना है, 10 लाख तक जाना है, 15 लाख तक जाना है। यानी आप कभी भी ये नहीं सोचो कि एक जगह पे रुको नहीं, जब आप रुक गए ना एक जगह पे तो आप वहाँ से बैक फिर आप रुक ही गए, मतलब बिल्कुल आप पस्ती की तरफ आओगे, क्योंकि इंसान के खर्चे बढ़ते हैं, इंसान की चीजें बढ़ती हैं, तो इंसान अपनी इनकम को हमेशा इंक्रीज का सोचे। हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हम एडजस्ट कर लें, ठीक है, अच्छा ये नहीं हो रहा, डजंट माइंड, हम इससे कम में ले लें थोड़ा, सही है, ठीक है। लेकिन कभी भी उन्होंने ये कहा अपनी वीडियो में कि हमें एडजस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, एडजस्ट करने से ये उनकी ये मुराद है कि आप यानी यूं समझ लें कि आप मुतमईन हो गए, कॉम्प्रोमाइज होने के बाद आपके अंदर जो, अच्छा आपको कोई चीज़ तरक्की कैसे करती है, आप मिसाल के तौर पे आप आगे कैसे बढ़ते हैं, आप अपने गोल अचीव कैसे करते हैं, जब आप गोल डिसाइड करते हो, आप फिक्स करते हो, जब आपका गोल 1 लाख था और आप 1 लाख पे पहुंच गए,
तो अगला गोल आप डिसाइड नहीं करेंगे, एक सेट करना है, तो आप नहीं पहुंचेंगे। मतलब जब आपको टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट सेट करना, सेट करने अगर आप अपनी मंजिल ही समझ लोगे तो आप मंजिल पे जाके सांस लोगे, बिल्कुल आप रुक जाओ मोर एंड मोर, तो फिर आप तरक्की करेंगे। लेकिन ये दोनों कपल को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, जिस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करें, और जिस मतलब एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की और जो काम कर रही थी, मतलब अच्छा लग रहा था मुझे। आप मुस्कुरा रही हैं खैरियत सच्ची सच्ची लेकिन दोनों को साथ में काम करके देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल कपल भी बहुत अच्छा था, हाँ, और साथ स्वीटेबल था, और अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे कपल था अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे वो किसी जमाने में जॉब छोड़ के, तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बात है, मतलब है कि उसके बाद ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने पूछा भी गया कि आपने क्या अपनी जॉब्स, ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ मसले मसाइल हो गए हो तो आपने छोड़ दिया हो? मैंने कहा नहीं, हम अपनी मर्जी से छोड़ कर आए हैं, मैम की तो मैंने छुड़वा दी और भी अच्छी पोस्ट पे थी। खैर बहरहाल एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, अच्छी वीडियो, और बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन, जो जॉब की वजह से परेशान है या अपनी इनकम की वजह से परेशान है, कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी, बहुत सारी आप अपने आसपास थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं, आपको बहुत कुछ मिलेगा करने को। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।